वही की जरूरत और मौका रहेगा कि जब वह कीचक सेनापति शैलेंद्री की सूरत पर मोहित हो गया, अपनी बहन सुदेशना के पास में आया और सुदेशना के पास में आकर के वह कीचक सज्जनों क्या कहने लगा और सुदेशना क्या जवाब देने लगी, बाकी हवाला रागनी के माध्यम से होगा। आइए किस तरह से कवि ने रागनी लिखी मेरे माध्यम से और दीपा चौधरी के माध्यम से। आइए हाँ तो सुदेशना कहिए भाई कीचक। आज आज क्या मेरा एक छोटा सा कहना मान ले। कौन सा कहना? तेरे महलों में जो है दासी है। कौन सी दासी? घनी सारी दासी है आज तो। तेरे महलों में जो यह दासी है। यू दासी? यह दासी। हाँ बता। इसके गलिया मेरी जोट बैठा दे। इसकी गैल तेरी जोट बिठा दूं? ऐसे कैसे कर दूं? तेरा एहसान होगा। अरे अपनी नीत को ठिकाने पे लिया। आज तेरा भाई कीचक तेरे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि तेरा घर बसाया, मेरा घर बस जाएगा। चाहे दासी के लिए मेरा जुगाड़ कर दे। चाहे तू मेरे पैर पकड़ ले, लेकिन इस दासी से तेरा जुगाड़ ना बिठाऊंगी। क्यों? क्योंकि औरत के चक्कर में नहीं पड़ा करते। औरत तो नागन से भी जहरीली होती है, नागन से भी। कौन कहे? मैं कह रही हूँ, अगर तेरे पे फुंकार मार दी ना तो तू मारा जाएगा। तो अभी इस कीचक को शायद जानती नहीं है। जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ तुझे मैं। तो फिर और तुम्हें यूं भी बेरा होना चाहिए। क्या? कि तेरा राज चल रहा है। हाँ तो राज इस कीचक की मेहरबानी से चल रहा है। वो तो मैं जानती हूँ कि मेरा राज जो चल रहा है सब तेरी मेहरबानी है। और आज यो काम करना पड़ेगा। ना करूं? ना करे। मैं अपने भाई को फंदे में नहीं फंसाऊंगी। सुन, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना हाँ तो राज को तहस नहस कर दूंगा। मेरा नाम कीचक सेनापति है। मैं जानती हूँ तेरा नाम कीचक है, लेकिन तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं बचपन की बहन हूँ तेरी, एक बहन से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो रहा है एक इस औरत के चक्कर में। अरे तेरा बिगड़ेगा क्या? क्या बिगड़ेगा तेरा? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तेरा ही। ना मेरा कुछ ना बिगड़े। पर मैं तो तेरे फायदे की कह रही हूँ कि तेरे तेरे एक काम से, तेरे एक इशारे से मेरी जिंदगी सुखते कट जाएगी। अच्छा, सुखते ना कटे तेरी जिंदगी? तेरी जिंदगी में पत्थर ही पत्थर फेंक देगी। सुन मेरी बात। सुना। चाहे वो जिंदगी में पत्थर फेंके, चाहे वो जिंदगी में कटार मारे, चाहे जिंदगी में खुद मरे, चाहे जिंदगी में मन ने मारे, अच्छा चाहे मैं मरूं, मतलब चाहे मैं इसने मारूं, लेकिन तू एक काम कर दे बस। मैं ना करूं? मैं ना करूं तेरा काम? एक काम मैं ना करूं? इतना सा। कैसा भाई है तू? इतना सा कर दे बस। मतलब कि एक बहन से लड़ने को तैयार है सौरत के चक्कर में? अरे मैं लड़ूं कौन है? तू इतना सा काम कर दे। अरे यू खा जाएगी तुझे। इतना सा काम? इतना सा ना करूं? चाहे मन ने खा जा, चाहे मैं इसने खा जाऊं, पर इसके चक्कर में दिलावर ठेकेदार पागल हो लिया। तू पागल मत हो। तू ठंडा खा ले, थोड़ा ठंडा करके खा ले, नहीं तो मारा जाएगा। देख फिर कहूं, इतना सा कर दे काम। अच्छा ना बता कौन सा काम करू? बता। सुन मेरी बात। सुना। हो रे मेरी मंडी पे भेज दिए, और तू तो मेरी मंडी पे भेज दिए, करवा दा घूंघट वाली का, भेज दूंगी मैं। हाँ। लेकिन एक बात याद रखिए। कौन सी बात? हरदसा पीर का नहीं बचे बचे जाए। नहीं बचे बचे जाए लाकर कारी का, सबीर
अरे मैं भी देखना चाहूं सू, मैं भी देखना चाहूं सू के शबीर मर्द ने दस्या करे बिना डसे ही जहर चढ़े जब जिनके घर में इसी वीर हो जिनके घर में इसी वीर हो धीका दीपक चश्या करे इसी वीर तो नाश करे से भूत भवन में बसया करे इसी वीर तो नाश करे से भूत भवन में बसया करे आशिक फंदे में फंसया करे आशिक फंदे में फंसया करे सहना हो चोट को ढाली का से बोल या गोरी बड़े मीठे बोले से काल जा छोल दिया तेरा कहां ते छोल दिया दिखाइए हां तन्ने दिखाण जोगी गोरी काल जा तेरा ही तेरा नहीं काल जा उसका भी छोल दिया देख डेढ़ फुट का आदमी है उछलब कई कई फुट है यू भी औरत के चक्कर में मरा पड़ा यू भी ऐसी जिस तरह से मैं पागल हो गया यू भी ऐसी जगह से डस दिया कि दिखा नहीं सकता जिस तरह से तेरी दासी ने देख के मैं पागल हो गया हां ये भी पागल हो गया आज तेरी दासी ने देख अच्छा मेरी दासी इतनी खूबसूरत है ए। मेरी दासी की तरफ गंदी निगाह मत करे वो मेरी बेटी के समान है अरे कांप गया मैं इसे देख कांप गया मैं इसे देख ये कहां मर जानी छिपा ली मेरे आके दासी लाके न्यो वीर वीरानी छिपा ली अरे के शिव जी के पार्वती के छिपा ली या माता कह के बोल पड़ी मन बेटी जान छिपा ली माता कह के बोल पड़ी मन बेटी जान छिपा ली तन के ब्रह्माणी छिपा ली तन के ब्रह्माणी छिपा ली करके पर्दा जाड़ी का जिनकी बुद्धि बिगड़ जाए चाचा के तो आज तक ना आई इस चाचा के कंगाली मतलब यू औरतों को देखता है दिन रात एक कर रखी है ने दिन रात बाजा डोले है अरे ये चाचा है चाचा की नजरों से देखते हैं गलत नजरों से नहीं देखते अच्छा इसकी नजर दूसरी है इसकी नजर दूसरी है तेरी दूसरी है मेरी दूसरी है हां नजर तेरी भी दूसरी है मेरी भी दूसरी है नजर नजर में फर्क है हां बहुत फर्क होता है तू इसको लुगाई बनाना चाहता है मैं इसको बेटी बना के रख रही हूं और चाचा भी इसको बेटी बना के रखता है सुन बावली तने बेरा कोनी चाचा जी सुंदरलाल हिसार 200 रुपए का मान और सम्मान दे रहे हैं और बार बार धन्यवाद और जो ये सुंदरलाल के नाम के आदमी होते हैं ना ये तो होते ही ऐसे बड़े दिल फरियाद हाँ।
और सुन मेरी बात। हाँ। कन्नाली कैसे आ जाए, कन्नाली कैसे आ जाए जब मर्द के वीर बराबर हो। वो बात तो सही है, बराबर रखेगा तू इसे, लेकिन एक बात बता, तू अपनी जान कैसे बचावेगा? मैं जान? हाँ, थोड़ा सा उठा दे। तू जान कैसे बचावेगा अपनी? ये रानी बन के रहेगी तो मैं राजा बन के रहूंगा। अच्छा, ये तुझे मार भी सके? ये वीर बन के रहेगी तो मैं मर्द बन के रहूंगा। हाँ। ये नागिन बन के रहेगी तो मैं सपेरा बन के रहूंगा। अच्छा, लेकिन ये तीर भी चलाना जानती है? ये तीर बन के रहेगी तो मैं धनुष बन के रहूंगा। अरे ये तीर चलाना जानती है तेरे ऊपर? मेरे ऊपर? हाँ। और उन तीरों से अपनी जान कैसे बचाएगा तू? मैं आप देख लूंगा। तू ये काम कर देगी, आज शाम को दिन छिपते ही किसी भी बहाने से एक बार मंडी पर भेज देना। आज शाम को ना भेज सकूं, आज तो ये ठेकेदार के घर जाएगी। हाँ? आज ना जा सकती हूँ तेरे घर। ठेकेदार के घर? हाँ हाँ, जहाँ उनका घर है। अच्छा, बट्टे पे भी रह सके? आज की रात तो महिपाल बट्टा पर रहेगी। हाँ। धर्म कांटे पे भी रह सके? हाँ। अच्छा, जहाँ भी सुविधा अच्छी हो वहीं जा सके। कंगाली कैसे आ जाए जब मर्द के वीर बराबर हो, कैसे जान बचावेगा जब नैन तीन के बराबर हो। किसी वीर हो कर जोड़े में, किसी वीर हो कर जोड़े में मुझ शरण धीर बराबर हो। जिसका ख्याल बिगड़ जाता उसे का आखिर बराबर हो। जिसका ख्याल बिगड़ ताले ताली गा। अमृत करके मत पियो, चलो बहता गंदे नाली का। तस्वीर का नहीं बचे बच जाए ना मन काली का। श्री बालाजी केवल नेटवर्क की तरफ से, श्री बालाजी केवल नेटवर्क सड़न की तरफ से, जो आज हमारे इस कार्यक्रम को पूरे क्षेत्र में 40-50 गांव में जो अपने केवल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, वो भी 200 रुपए देकर के हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। और कुछ कहना चाहता है? इसकी मेरी जोत मिले। इतनी देर से समझा रही हूँ, तेरी कुछ समझ में आया? मेरी समझ में एक भी ना आया। एक भी ना आया? हाँ। फिर तू क्या चाहवे है? तू न्यू कह रही है कि अमृत करके मत पियो, जल बहता गंदी नाली का। अरे क्या पता कहाँ से आई है, कौन जात है, कहाँ की रहने वाली है कैसी नहीं, तू कैसे इसको अपनी बहू बनाने की सोच रहा है? वह कहावत ना सुनी तुमने? कौन सी? जब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। अच्छा, सुनी होगी ना कहावत, परी और गधी में अंतर ही नहीं समझ रहा। ये तो दिल की बात है। ओ दिल, दिल है तेरा, दिल है तेरा या 150 गज का प्लॉट? अच्छा यूं बता, दिल तो बहुत बड़ा है, ऊपर राम जस तक कहवा दू जब तो करवा देगी। अगर भूपा से सिफारिश करवा दू ना, जब भी ना मानूंगी। और मैं अपने भाई का घर नहीं बिगाड़ सकती। और मैं माते कहवा दू तो? हाँ, माँ की चल जाएगी। अच्छा, माँ कभी भी गलत नहीं सोचती बच्चों के बारे में। अच्छा, हाँ सुन मेरी बात। लेकिन माँ नहीं मानेगी। यो तेरे लिए गंदी नाली का बहता हुआ पानी होगा। हाँ, लेकिन मेरे लिए क्या है? तेरे लिए क्या है? और मेरे लिए तो अमृत है, मेरे
मेरे लिए तो अमृत है, हर जाम वीर को लिए फिरे तेरे जैसे मूर्ख दुनिया में बदनाम वीर को लिए फिरे तेरे जैसे मूर्ख दुनिया में। सुन तू होगी बावड़ी, तू होगी बिल्कुल बावड़ी। मेरी कुर्सी गलती से, मेरी कुर्सी गलती से घनश्याम वीर को लिए फिरे। अच्छा उनकी ओर करना चाहता है तू? अरे वो भी तो हम जैसे हैं। घनश्याम की ओर करना चाहता है? जब ये भगवान भी न मच सके तो मेरी औकात क्या है। हाँ भगवान भी औरत के चक्कर में कैसे कैसे गए मैं बताऊंगी। तेरा बसाया घर बसियागा ना बसाऊं ना तो तेरी छाती पर दाल करूंगा। हाँ दाल बैसक दल ले, लेकिन घर नहीं बसाऊं। अच्छा। कोई बढ़िया सी छोरी देख के जब तेरा ब्याह करवाऊंगी। इससे बढ़िया मन नजर ना हुआ कितने। पागल हो लिया तू? अरे मेरी के गलती है वो घनश्याम वीर को लिए फिरे। उस रावण का सर कट गया वो काम वीर को लिए फिरे। उस रावण का सर कट गया वो काम वीर को लिए फिरे। तुमने एक बात और पता है? औरत के चक्कर में पूरा महाभारत हो गया था। औरत के चक्कर में उस रावण की लंका जल के खाक होगी थी। रावण की लंका जल के खाक होगी, लेकिन एक बात का तना मेरा कोनी। कौन सी बात का? वो रामवीर को लिए फिरे, वो रामवीर को लिए फिरे जो चमन लगाए से मारी था।